सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बबलू भाई शेर सुना जरा। ये करम मुस्तफा का, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये बिलाली अज़ा से करम मुस्तफा का, बिलाली अज़ा से हरम जगमगा। मुसराज जी, जो ये आज यहाँ पे जो उर्स मेला हो रहा है, किसकी याद में मेला होता है और क्यों होता है? हजरत शाह मस्तान शाह की याद में। थोड़ा सा बताइए उनके बारे में, क्यों ये प्रसिद्ध हुई चीज़ें यहाँ पर, क्यों मजार इनकी बनाई गई? इस गांव का नाम पहले भोगल खेड़ा था, उसके बाद में जब बाबा मस्तान शाह यहाँ पर आए तो जो है इस गाँव का नाम जो है मस्तान शाह खेड़ा हो गया। जब से ये मतलब जो है ये पूरा गाँव इन्हीं के नाम है का ये चल रहा है। क्यों उनकी याद में मेला किया जाता है? उनकी याद में है कि वो सब हिंदू और मुसलमान को सबको जो है वो मतलब सबके वो थे, जो भी सबकी वो करते थे वो प्यार सबसे, और जो है सबको उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वो संत थे, संत बाबा जिसको कहते हैं साधु मस्त थे, और इनके पास जो भी आता था किसी के लिए वो भी मतलब जो है कि दुआ के लिए, कोई भी किसी जाति का उसी के लिए दुआ करते थे। इसलिए जो है 1198 हिजरी से ये जिंदा थे। अब जो है 247 साल हो गए इनको वफात के लिए। ये मजार इनकी कम यहाँ पे जो है बनाई गई है। ये मजार बनाया कि ये मतलब जो है 1928 में बना। आर मिल्टर वाइट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरनगर के, और हमारा जिला भी उस टाइम मेरठ ही था, मुजफ्फरनगर मेरठ था, तो वे आए थे। मैन क्या संदेश इस मेले से आपको लगता है लोगों के बीच जाता है? ये जाता है कि इस गांव में कोई भी आदमी एक दूसरे से प्रभावित होता है, ना कि नफरत पैदा होती है, क्योंकि साल में एक बार सब मिलते हैं। वैसे तो कोई नौकरी करता है तो कोई बाहर काम करता है, साल में सभी आप मिलते हैं, आपस में मिल जुलते हैं और प्यार से रहते हैं। ये संदेश है कि आपस में मिलजुल कर रहना, इस मेले का मकसद यही है साल में। कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग जो है इस मेले को देखने आते हैं, कहाँ कहाँ से? तो थोड़ा सा 2013 के बाद में कम हो गया, नहीं तो सब आसपास के गुआंड के लोग आते थे, हरियाणा से और तुम्हारे बार बार से सभी आ जाते थे करीब करीब, बहुत सबसे बड़ा उस ये लगता। लेकिन 2013 में थोड़ा सा झगड़ा हुआ आसपास के गाँव में, इस गांव में नहीं हुआ, तो उससे थोड़ा सा संदेश अच्छा नहीं। तो ये मेला हमेशा ऐसे ही लगता रहेगा? ये हमेशा जब तक है यहाँ, हम भी जिंदा हैं, आप लोग भी हैं, तो उम्मीद है कि ऐसे ही लगता रहेगा, कोई इसमें रोक टोक नहीं होगी। आप मस्तान से आगे कौन सी पीढ़ी? मैं 10वीं पीढ़ी। अच्छा, 10वीं पीढ़ी। क्या बात है भाई साहब? अरे वही बात है बापू, तारे फुफाओं का भी तो भाग है यहाँ का। मान वे सम्मान के योग सभी को, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार प्रणाम। ये मेला तो सबका है, 36 बिरादरी का है, एक का मेला नहीं है। अगर आप है तो ये कलाकार भी है और ये मेला भी है। बोले बीरे विक्रमा, ये तू भी मान सरोहर, ये बीर विक्रमा, ये तू भी मारे Thank you.
गांव के लोगों का यहां पे जो है कैसा समर्थन जो है जब ये हर साल उर्स भरा जाता है, कैसा समर्थन जो है गांव के लोगों का होता है इस उर्स भरने में? नहीं, पूरे गांव का बहुत ही बढ़िया हिसाब है, यहां पे सब आते हैं, सब इंतजाम करते हैं और सहयोग करते हैं सब। अच्छा, आप क्यों जो है हर साल जो है इस उर्स मेले में भाग लेते हैं, क्यों आप यहाँ पे आते हैं? जहाँ देखा है एक तरफ जो है आपस में दूरियाँ बढ़ती जा रही है और आप आ रहे हो, क्या आपको अच्छा लगता है बाजार पे आने से? नहीं तो दूरियाँ आप गांव में तो नहीं बढ़ रही, दिल्ली में हो सके दूरियाँ बढ़ रही हो, यहाँ पे तो दूरियाँ नहीं बढ़ रही। और यहाँ पे आने का मनाने का ये बहुत बड़े तपस्वी हुए और यहाँ पे जो इनसे प्रार्थना करता है आके उसकी जायज जो बात होती है उसको मानते हैं। अच्छा, आपको मस्तान से आगे कौन सी बात अच्छी लगती है जिससे आप प्रभावित हो? देखो, यहाँ पे सभी बिरादरियाँ सभी धर्म इनको मानते हैं, तो उनसे एक बहुत बढ़िया संदेश जा भाईचारे का। वहां पर तमाम वली जमा रहते हैं, ये बात समझिए, जो निस्बती लोग होंगे समझिए, सुनिएगा, सुनने की बात है ये सब, ये करम मुस्तफा का है। कैसे? ख्वाजा कुतुब को चिश्ती का अफसर बना दिया, ख्वाजा कुतुब को चिश्ती का अफसर बना दिया, ख्वाजा कुतुब को चिश्ती का अफसर बना दिया, गंजे शकर को वलियों का रहबर बना दिया, गंजे शकर को वलियों का रहबर बना दिया, ख्वाजा निजामुद्दीन को तवंगर बना दिया, ख्वाजा निजामुद्दीन को तवंगर बना दिया, साबिर पिया को सब्र का पैकर बना दिया, साबिर पिया को सब्र का पैकर बना दिया, साबिर पिया को सब्र का पैकर बना दिया। वो अली शाह कलंदर पानीपति तो गए हैं आप सब लोग, देखी जो एक मस्त के दिल में अली की बूंद,